कानपुर के इस घर में देर रात अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद घर वालों में कोहराम मच गया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। कानपुर के भावपुर गांव के निवासी किसान बालक राम यादव का बेटा करण कुमार दो भाई व तीन बहनों में मझला था। परिवार में बहन साधना व आराधना की शादी हो चुकी थी। करण साल 2013 में सेना में भर्ती हुआ था। इन दिनों उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में थी। सेना की आरआर बटालियन द्वारा टोपापीर क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की खबर मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जिप्सी पर आतंकियों ने हमला कर दिया और इसी आतंकी हमले में करण की मौत हो गई। भाई से 20 तारीख को बात हुई थी। इसके बाद बाप ने कह रहा था कि अब यहाँ ड्यूटी मत करो, घर जाओ, वहीं देखो मम्मी पापा के पास रहो, वहीं अपना करो। फिर घर हमने पूछा था तो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। हाँ, अभी नहीं आएंगे। हमने कहा था कि मेला है, आ जाते, छुट्टी लगा के दो। कह रहे थे छुट्टी नहीं मिली, यदि होली को आएंगे। 12 बजे सूचना मिली है। हाँ, मम्मी के मतलब बहू थी, उसने अपने ननिहाल वहाँ अपने मैके में किया, वहाँ से सूचना हमको मिली। करण के घर पर मौजूद जहाँ कुछ लोगों के आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, वहीं कुछ लोग करण की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं।